वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जे आर्स मंत्रा। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर वन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दें कि आपका जो लैटरल एंट्री में का एग्जाम जो होता है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं कि टोटल 50 क्वेश्चन आएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, और हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। आपका जो पूरा सिलेबस या पूरा पैटर्न है उसको बताने लगेंगे तो ऑलरेडी मतलब बताने लगेंगे तो 20 मिनट का समय चला जाएगा, ठीक है। तो समय बचा रहे हैं, अगर आपको पूरा का पूरा सिलेबस या पूरा का पूरा पैटर्न जानना है तो उसका एक PDF कॉपी है, वो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ये ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको पूरा का पूरा जो PDF है BTech लैटरल एंट्री का सिलेबस पैटर्न क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस तरह से नहीं, इसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाता है उसमें पूरा डिटेल है, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर है, हम प्रोवाइड कर देंगे, पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। फालतू में 15 से 20 मिनट चला जाएगा सिर्फ सिलेबस एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है। सबसे पहले बता दें कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये एक पार्ट है फिजिक्स का। अगर आप पूरा फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। तो उस फिजिक्स का एक छोटा सा पार्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, या इट इज बेटर टू से मैकेनिक्स। तो सबसे पहले देखना यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिए हैं, डेफिनेशन में ही सब कुछ छिपा हुआ है मैकेनिक्स का। जो मेरा टारगेट रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना है, ठीक है, और न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए हम DC पांडे का और कुछ खुद का मतलब बनाया हुआ क्वेश्चन, मतलब बनाया हुआ नहीं कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, सॉल्व करवाएंगे। तो डीसी पांडे पे पूरा फोकस रहेगा, रिहंत का बुक आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले समझना कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है। देखना, इट इज द स्टडी ऑफ अ स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आए हैं, पहले टर्म्स को समझते हैं फिर समझते हैं कि मैकेनिक्स है क्या। देखना, इट इज द स्टडी, पहला एक वर्ड है इसको सेलेक्ट किए, स्टडी क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, स्टेट क्या होता है, और तीसरा जो वर्ड है वो है रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं वो फोर्स होता है एक्सटर्नल, कैसा फोर्स होता है वो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं। ध्यान से समझना पहले, ठीक है, पहले सब पहले इसका ये बता देते हैं आपको कि मैकेनिक्स होता क्या है, ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जैसे ही हम लोग इसको डिफाइंड कर देंगे फिर अपने टॉपिक्स में इंटर करेंगे। जैसे आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो आपको तो पता होना चाहिए कि है सब्जेक्ट क्या, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है किस चीज के अराउंड मूव करता है, यानी इसका फंडामेंटल चीज क्या है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स का फंडामेंटल चीज होता है नंबर्स, ठीक है, हम लोग फाइंड करते हैं मतलब नंबर्स की तरफ, नंबर से नंबर को एज अ गेम ट्रीट करते हैं, मैथमेटिक्स पूरा नंबर का गेम है, ठीक है। तो मैकेनिक्स है वो है क्या, मतलब वो उसका स्केल्टन स्ट्रक्चर है क्या, इसको समझने के लिए जब आप ये जब उस चीज डेफिनेशन को समझ लीजिएगा, मैकेनिक्स के डेफिनेशन को समझिएगा, तब आप उससे फैमिलियर फील कीजिएगा। जैसे बोलते हैं मैकेनिक्स तो बहुत सारा स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता है कि है ये एक्चुअली है क्या, आप इमेजिन ही नहीं कर पाते हो। और जब जिस चीज को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो या जिस चीज को आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, उसको कैसे फैमिलियर या उसके उससे उसे इंटरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो इंटरेक्शन करने के लिए मैकेनिक्स को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, मैकेनिक्स के डेफिनेशन को जाना बहुत जरूरी है। तो देखना, इट इज द स्टडी, हम लोग स्टडी करेंगे, स्टडी कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जर्वर होगा, और क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन का काम करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं कि लेट मी इरेज इट, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, क्या क्या होगा ये बता, इसका हर एक पॉइंट का इसके बारे में डिटेल देखेंगे, स्टेट के बारे में डिटेल से देखेंगे, रिजिड बॉडी क्या होता है डिटेल से देखेंगे, अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो समझना कि हम लोग स्टडी क्या करते हैं, स्टडी में है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज को देख कर पता लगाना, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट या बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, तो इसका मूवमेंट कैसा होगा, ठीक है, ये कैसे इस फोर्स के अंडर में बिहेव करेगा, फोर्स के अंडर में या फिर इसका बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे कोई एक पर्सन है, वो पर्सन क्या कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का, ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, ठीक है, बस वही ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। जैसे एयर है, ठीक है, एयर को भी एक एज अ पार्टिकल अगर ट्रीट करोगे तो फ्लूड उसको माना जाता है, डेट कैन फ्लो। ठीक है, मैटर होता है वो तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो गैस होता है वो भी कुछ मैटर से ही बना होता है, बट उसके बीच का स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो फिजिकल कोई बॉडी है मतलब जिसको आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके ऊपर जो भी फिनोमिनन होंगे, जो भी उसके ऊपर एक्टिविटी होगा, ठीक है, इसको ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, जिसको बोलते हैं स्टडी। क्या ऑब्जर्व कर सकता है? ऑब्जर्व कर सकता है उसका मास, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सब ऑब्जर्व होगा। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स को बढ़ा दे घटा दे तो क्या होगा, ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेशन के अंडर में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट। ठीक है, स्टेट कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है। स्टैटिक कहने का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है या उसमें कुछ मोशन हो रहा है। ठीक है, तो दो वर्ड अभी यहां पे समझे। स्टडी में क्या होता है, एक ऑब्जर्वर होता है, एक पर्सन होता है, और एक बॉडी होता है जो कोई भी एक्टिविटी हो रहा है उसमें मोशन है, वेलोसिटी है, एक्सलरेशन है, ठीक है, फोर्स के अंडर में या फोर्स को ऑब्जर्व करते हुए या बिना किसी फोर्स का। जैसे यहां से मार्कर को हम नीचे ड्रॉप करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको नीचे गिरने में, स्टॉपवॉच का यूज करके या किसी भी चीज का। ठीक है, अगर इसी के ऊपर हम लोग कुछ फॉर्मूलाज लगाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना, इसका मास को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें, तो हम लोग क्या करें, इस बॉडी का स्टेट मतलब एक तरह से को इस बॉडी का हम लोग स्टडी करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कितना समय लगा, तो वही एक ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टडी। तो देखना, इट इज द स्टडी ऑफ द स्टेट। स्टेट कहने का मतलब ये रुका हुआ है, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में है या डायनेमिक कंडीशन में है, यानी इसमें मोशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखना ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी किसको कहते हैं, देखना मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका कोई फिक्स्ड डायमेंशन होगा, मतलब इसका कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ हाइट होगा। ठीक है, तो यहां पे कोई पॉइंट है इसी ऑब्जेक्ट में, यानी ये जो मार्कर है, इस मार्कर को ध्यान से देखो, अगर इस मार्कर में यहां पे एक पॉइंट लगा दे, दूसरा पॉइंट यहां पे लगा दे, दो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग इरेजर या रबर देखे होंगे, ठीक है, जिससे पेंसिल से लिखने के बाद हम लोग बचपन में इरेज करने का काम करते थे। देखना उसको खींचना, खींचोगे जब उसको फोर्स लगाओगे, टेंसाइल फोर्स लगाओगे, तो क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा या चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, वैसा बॉडी जिसमें फोर्स लगाने के बाद, ठीक है, किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन ना हो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसमें 100 न्यूटन का फोर्स लगा दो या 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दो, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब उस तरह के बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी एक आइडियल कंडीशन है। वर्ल्ड में अगर हम लोग हार्डेस्ट मटेरियल की बात करें तो वो डायमंड आता है। इवन डायमंड में भी अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो कुछ ना कुछ दो पॉइंट के बीच में डिफॉर्मेशन होगा ही होगा, डिफ्लेक्शन होगा या बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिपेंड करेगा फोर्स पे। ज्यादा फोर्स लगाओगे तब जाकर डिफॉर्मेशन होगा। यानी कहें तो रिजिड बॉडी कुछ होता नहीं है, देयर इज नथिंग रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी कुछ नहीं है, मतलब एक हाइपोथेटिकल या आइडियल बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा उसके शेप में। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके स्टेट को स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर वही उसके उसमें डिफॉर्मेशन होने लगे तो उसको बोला जाता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसी में हम लोग इलास्टिक बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो तीन यहां पर टर्म समझे, स्टडी क्या होता है, स्टेट क्या होता है और रिजिड बॉडी क्या होता है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ध्यान से समझना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे, इट इज द स्टडी, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ अ स्टेट। अ स्टेट का मतलब उसका स्थिति, रुका हुआ है या मोशन में है। ऑफ द रिजिड बॉडी, कैसा होगा बॉडी, रिजिड होगा यानी उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो इस डेफिनेशन को पॉज करके नोट डाउन करो, इसके बाद थोड़ा सा स्टडी स्टेट और रिजिड बॉडी के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप मैकेनिक्स से क्या हो सके, फैमिलियर हो सके। फिर से एक बार बोल रहे हैं,
मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक रिजिड बॉडी होगा, रिजिड बॉडी कहने का मतलब जिसमें जीरो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स को लगाएंगे। जब हम लोग फोर्स को लगाएंगे तो उसमें कुछ चेंज आएगा, उस चेंज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और जो चेंज होगा वो स्टेट को बताएगा, ठीक है, उसका वेलोसिटी कितना हो गया, उसका एक्सलरेशन कैसा है, ठीक है, कितना टाइम लगता है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने में। जैसे एक पर्सन है, वो एक वॉल को यहां से थ्रो कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहा है, तो इसका कुछ मोशन इस तरह का होगा और यहां पे जाके ये गिर जाएगा। इस ऑब्जेक्ट में किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होगा, जो बॉल फेंका था बिल्कुल बॉल वहीं पे जाकर, मतलब वैसा ही शेप में जाकर ड्रॉप होगा, ठीक है। शेप में हम लोग कुछ स्टडी नहीं करेंगे, मानकर चलेंगे ये क्या है, एक रिजिड बॉल है, ठीक है, इसके ये कितना दूर गया, ठीक है, इसका रेंज कितना है, ये कितना डिस्टेंस कवर करा, टाइम कितना लगा, जब यहां पहुंचा तो यहां पे वेलोसिटी कितना था, इसका हाइट कितना था, यही सब चीज को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर से समझना, एक बार बोल रहे हैं, इट इज द स्टडी, मतलब मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे स्टेट का, मतलब उसका स्थिति कैसा है, रुका हुआ रहेगा तब, मोशन में रहेगा तब, ऑफ द रिजिड बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब फोर्स लगाएंगे तब उसका स्टेट कैसा है, इसके मतलब स्टेट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वेलोसिटी एक्सलरेशन, ये सब का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डेफिनेशन समझ में आया होगा, पॉज करके इसको नोट डाउन करो, इसके बाद थोड़ा थोड़ा और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उस पर कुछ और आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कीजिए इसको। तो समझते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्या बताया था मैकेनिक्स क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ अ स्टेट ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इसमें तीन वर्ड बताए थे इंपॉर्टेंट है, एक बताया था स्टडी, दूसरा स्टेट ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टडी में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर होता है और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अच्छा, जब हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन किस चीज का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो फिजिकल क्वांटिटी का ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। जैसे एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों रखा हुआ है, फोर्स लग रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, दीज आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि फिजिकल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल, ठीक है। फिजिकल का मीनिंग होता है द रियल थिंग दैट यू कैन टच, लिख दे रहे हैं यहां पे, द रियल थिंग्स, ठीक है, द रियल थिंग्स दैट यू कैन टच, ठीक है। तो फिजिकल होता है कि एक रियल बॉडी है, ठीक है, एक रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है गुण, ठीक है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी विच आर यूज टू डिफाइन अ स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है, जिसका मतलब जो जिसका स्टेट को वो डिफाइंड कर सकता है। जैसे बता रहे हैं कि वजन, ठीक है, वेट जो होता है, ठीक है, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, एक पत्थर है, रॉक है, स्टोन है, उस स्टोन का कुछ वजन होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर से, और उसके साथ एक यूनिट होता है, ठीक है, एक नंबर होता है और दूसरा क्या होता है, यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट्स का स्टैंडर्ड होता है, किसी भी चीज को मेजर करने का कुछ जो स्टैंडर्ड होता है उसी को यूनिट बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसका, जैसे ये 5 किलो है, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, उस ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट ना बोलकर यहाँ पे फिजिकल बोल रहे हैं कि कोई भी रियल थिंग जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसका गुण को बताएगा। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी विच आर यूज टू डिफाइन अ स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है। स्टेट के बारे में आगे देखते हैं क्या होता है स्टेट। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया, फिजिकल क्वांटिटी किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर से, और उसके साथ साथ होता है कुछ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइंड करें तो 4 कैटेगरी में कर सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी आई होप समझ में आया होगा, फिर से एक बार बोल रहे हैं, दीज आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी विच आर यूज टू डिफाइन अ स्टेट ऑफ बॉडी, वो उसका स्टेट कैसा है, ठीक है, उसका स्थिति कैसा है, ये डिफाइंड कहां से होता है, फिजिकल क्वांटिटी से होता है, ठीक है।
वेलोसिटी, स्पीड, ये सब फिजिकल क्वांटिटी होगा। फिजिकल क्वांटिटी दो चीज से बना होता है, एक नंबर, दूसरा यूनिट। ठीक है, तो वो क्या बताएगा, बॉडी के मतलब ये एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी विच आर यूज टू डिफाइन स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, स्टेट ऑफ बॉडी मतलब उसकी स्थिति को भी ये बताएगा। इसको पॉज करके नोट डाउन करो। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि कितने तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या बताया था, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी बॉडी का जो उसके स्टेट को बताता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पहले फंडामेंटल और डिराइव्ड को समझ लेते हैं। देखो, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। देखो, जो मैकेनिक्स है, पहले तो स्टूडेंट को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, और दूसरा है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। दो अलग अलग चीज है, एक होता है कि क्वेश्चन को समझना और दूसरा होता है फॉर्मूला को याद रखना। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए, फॉर्मूला याद है, तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते ही यही पता नहीं चलता है कि इसके ऊपर अप्लाई क्या करें। ठीक है, फॉर्मूला याद भी रहेगा, क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे तो कभी नहीं बनेगा। तो मेरा जो फोकस रहेगा, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल बनवाना है। न्यूमेरिकल बनवाने से पहले आपको बेसिक इतना कंप्लीट कर देंगे, ये मानकर चले हैं कि आपको मैकेनिक्स कुछ नहीं आता है, जीरो आता है। हम ये मानकर चले हैं कि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट नहीं है, टेंथ पास स्टूडेंट है। ठीक है, जो अभी अभी मैकेनिक्स पढ़ना मतलब शुरू किए हैं। ठीक है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं मैकेनिक्स या नहीं पढ़े हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। एकदम जीरो से स्टार्ट करें हर एक चीज को। जैसे कुछ भी अगर नया आएगा तो हम ये मानकर नहीं चलेंगे कि इस चीज को आप जानते हैं, हम ये मानकर नहीं चलें कि आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये। ठीक है, हम बस बता रहे हैं। ठीक है, पहले तो एक दो लेक्चर देखो अच्छे से, उसके बाद फिर आगे डिसाइड करना कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, पहले तो समझ लो कि मैकेनिक्स है क्या। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट यूनिट मतलब टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो स्पेसिफिक टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल बनवाएंगे। थ्योरी इसमें कुछ नहीं है, थ्योरी कुछ नहीं है, बस हम मेरा काम है कि आपको इस लेवल तक पहुंचा दे, फंडामेंटल आपका इतना स्ट्रांग कर दें कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप समझ सकें कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, इसमें स्टैटिक लगाना है कि डायनेमिक लगाना है, काइनेटिक लगाना है या काइनेमेटिक लगाना है। पहले यही क्वेश्चन स्टूडेंट को मतलब पता नहीं चल पाता है कि ये क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला याद कर लो। 10 फॉर्मूला याद करके जाओगे, जब पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा अप्लाई करें, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है वो गलत बनेगा। देखो, कुछ जो मतलब जो भी एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है, तो कभी भी ये मिसकंसेप्शन मानकर मत चलना है कि क्वेश्चन मतलब एग्जाम है जो बहुत ज्यादा टफ है। आप ये मानकर चलो कि मेरा बेसिक और मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। जैसे बताएं, क्वेश्चन जो होता है वो 150 नंबर में क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन होता है, और आपको टाइम मिलता है 2 hours and 15 minutes का। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट का, 2 घंटा मतलब 120 और 15 135, आपको 135 मिनट में क्वेश्चन जो सॉल्व करना है 150 सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यानी अगर अगर कोई भी एक न्यूमेरिकल, ठीक है, मैकेनिक्स का या मैथमेटिक्स का बनाने में 3 मिनट से ज्यादा समय लगता है, इसका मतलब है कि वो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा, छोड़कर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना लेंथी नहीं पूछेगा कि 3 मिनट में आपसे ना बने। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है या उतना लंबा है तो आपको स्किप कर देना है। ठीक है, मानकर चलो कि हमसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनता है, उसका मेन रीजन वही बता रहे हैं कि फंडामेंटल यानी बेसिक नहीं पता होता है, और बेसिक अगर पता होता है तो उसको फॉर्मूला याद नहीं होता है। आप बनाते रहोगे, गलत बनेगा, उसका आंसर गलत आएगा, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आप उसको टिक मारकर आगे बढ़ जाओगे, आपको लगेगा हम सही बना दिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन रहेगा स्टैटिक का, कॉन्सेप्ट लगा दोगे डायनेमिक्स का। ठीक है, डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट लगाओगे, बनाओगे, बन जाएगा, ऑप्शन एक मिल जाएगा, टिक लगाकर आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन पूरा चला गया। ठीक है, तो कभी भी इतना हाई फाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप आईआईटी जेई का भी तैयारी करो तो जो क्वेश्चन होते हैं वो इतना टफ नहीं होता है कि 5 मिनट से ज्यादा में बने, इतना फंडामेंटल होता है कि स्टूडेंट उस फंडामेंटल को सीखता ही नहीं है, उसको लगता है कि छोटा चीज है, सीखने का क्या है। ठीक है, तो जितना फंडामेंटल को समझ पाओगे उतना ही मैकेनिक्स आसान हो जाएगा। तो
क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले जो मेरा काम रहेगा क्वेश्चन को समझाना कि क्वेश्चन जो है वो पूछा है तो कहां से पूछा है, ठीक है, और उसके बाद फिर फॉर्मूलाज को हम बताएंगे। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, और उसका स्केलर एंड वेक्टर। तो सबसे पहले देखना लेंथ, ठीक है, लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है मीटर, ठीक है। अगर लेंथ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया बना सकते हैं, एरिया, तो एरिया में क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लेंथ से डिराइव्ड होकर आया है एरिया या वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो भी डिराइव्ड होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद मास, मास होता है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है केजी, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड, ठीक है, सेकेंड भी है एक फंडामेंटल फिजिकल, ये है फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखते हैं स्पीड, ठीक है, स्पीड, स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर लेंथ से आया है और यहां से क्या आया है, सेकेंड आया है, तो इन दोनों को मिलाकर स्पीड आया है, ठीक है। तो लेंथ, मास, सेकेंड जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और यही फिजिकल क्वांटिटी से जो आगे बनता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम पूछते हैं कि एरिया जो है तो एरिया कहां से डिराइव्ड हुआ है, तो लेंथ से आया है, ठीक है। वॉल्यूम कहां से आया है, तो लेंथ से आया है, ठीक है। स्पीड कहां से आया है, तो स्पीड, स्पीड आया है लेंथ और टाइम से, ठीक है। टाइम मतलब यहां पे लेंथ नहीं, टाइम लिखते हैं, और जिसका यूनिट सेकंड होता है, ठीक है। टाइम इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसका सेकंड होता है वो यूनिट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो और फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है, और फिजिकल कमेंट मतलब और बताए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, हो सकता है जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका यूनिट होता है एम्पेयर, ठीक है, वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का जो ये भी एक फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है, ठीक है, KELVIN, केल्विन होता है। अच्छा, एक्चुअली यूनिट है क्या, देखना यहां पे हम लिख देते हैं कि यूनिट होता क्या है। यूनिट होता है स्टैंडर्ड फॉर, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट, MEASURMENT, मेजरमेंट, स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी, PHYSICAL, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी Q से लिख देते हैं, PQ जो है फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट होता है स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहां जो लेंथ है वो स्टैंडर्ड है किसका, सॉरी मीटर जो है वो यूनिट है लेंथ का, यानी ये हम लोग जो लेंथ मेजर करते हैं उसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में है। तो यूनिट होता है स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, ठीक है, उसी को यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से आई होप आपको समझ में आया होगा। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स, ठीक है, फोर्स न्यूटन होता है, वो भी डिराइव्ड है मीटर, ये मास इंटू एक्सलरेशन, मास का होता है केजी, अगर इसका यूनिट लिखो तो केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किससे किससे मिलकर बना है, मास से बना है, लेंथ इसमें है और टाइम है, ठीक है। वर्क, पावर, पावर एनर्जी, ठीक है, दीज आर द, दीज आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। वर्क, पावर, एनर्जी आपके लैटरल एंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एली में वर्क, पावर, एनर्जी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जहां भी जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है लैटरल एंट्री के लिए उससे भरपूर न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड और उसका कुछ यूनिट भी होगा, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होगा ही, बट उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केलर। वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो स्केलर का एक एग्जांपल है स्पीड, ठीक है, जैसे कोई 50 किलोमीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, लेकिन जब वेक्टर बोलते हैं तो बताना पड़ता है कि वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट से कितना डिग्री एंगल पे वो स्पीड है उसका, मतलब वो कितना मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ मूवमेंट है,
वो कहलाता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिसमें एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कुछ मैग्नीट्यूड हो साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, वो हो गया वेक्टर। इन दोनों को आगे के लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसा चीज है जो फंडामेंटली आप लोगों को जानना चाहिए, किलो, मेगा, माइक्रो, ठीक है, टेरा, ये सब होता क्या है, उसका एक छोटा सा यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं जो क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग भी तो समझना चाहिए, तो इसको इतना पॉज करके नोट डाउन करो, आगे बता रहे हैं। देखो अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कन्वर्जन है, इस चीज को देखना। डेका का मतलब होता है 10 या 10 टू द पावर 1, हेक्टो का मतलब होता है 10 टू द पावर 2, किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, ठीक है, और जीगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 9, टेरा का मतलब होता है 10 टू द पावर 12, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 kg, 1 kg, तो 1 kg यहाँ पे जो के है वो एक्चुअली क्या होता है, किलो, ठीक है, किलो, और किलो में कितना होता है 10 टू द पावर 3। तो आप लोग बचपन में सुने होंगे कि पूछता है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। तो अगर 1 किलोमीटर लिखा रहता है, ठीक है, तो के का मतलब क्या होता है, किलो, किलो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 3, तो अब किलो कहीं भी आप लगा दो, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में जो किलो है यहाँ पे 1000 मीनिंग आता है, ठीक है। उसके बाद देखना, किलो के बाद आता है मेगा यानी 10 टू द पावर 6, गीगा यानी 10 टू द पावर 9, ठीक है, और टेरा 10 टू द पावर 12। आप लोग देखे होंगे एमपीए लिखा हुआ कहीं पे, लिखा रहता है 2.1 MPa, ठीक है, यानी मेगा, एम का मतलब क्या होता है मेगा, पीए का मतलब क्या है पास्कल, ठीक है, पास्कल का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, फोर्स बाय एरिया पास्कल, पास्कल जो होता है प्रेशर का यूनिट होता है। तो मेगा का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे ये जो मीनिंग समझने के लिए बोल रहे हैं 10 टू द पावर 6, ठीक है, आप पास्कल इस तरह से आप लिख सकते हो। तो मेगा जो वर्ड है उसको रिप्लेस कर सकते हो, जैसे केजी को हम 1000 से रिप्लेस कर दिए, केजी को 1000 से रिप्लेस कर दिए, उसी तरह मेगा को 10 टू द पावर 6 से आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आप पूछोगे कि सर 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 6 के लिए तो बताए, लेकिन 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 5 के लिए तो बताए ही नहीं, ठीक है। सब स्टूडेंट है, यूट्यूब तो सब देखता होगा, कोई भी आप गाना सुनना या फिर उसका सब्सक्राइबर देखना, लिखा रहता है 100K, ठीक है, 100K, तो 100K सब्सक्राइबर या व्यू लिखा हुआ है, यानी 100 × 10³, इतना उसका सब्सक्राइबर है। तो क्या 10⁴ को 10 × 10³ नहीं लिख सकते हैं, और इसको 100 × 10³ नहीं लिख सकते हैं, और ये 10³ को अब थोड़ा स्टाइल से के लिख दो, 10K, और ये क्या हो जाएगा 100K, तो किलो का यहाँ पे मीनिंग आ रहा है, ठीक है। ये हो गया किलो 10⁻³, मेगा 10⁶, जीगा 10⁹, टेरा 10⁻½। अगर 10⁻³ होगा तो 10 टेरा बोलेंगे, ठीक है, टेरा, जैसे होता है ना 1 GB, 1 TB, ठीक है, तो जीबी मतलब होता है क्या, जीगा वाइट, ठीक है, और टीबी का मतलब क्या होता है, टेरा वाइट। जैसे लैपटॉप खरीदते हो तो 1 TB 2 TB का आता है, तो उसका जो मेमोरी होता है वो टीबी में होता है, यानी बाइट हो गया वो बेसिक यूनिट, और टेरा का मतलब 10⁻½, ठीक है, जीबी मतलब 10⁹, समझ में आ रहा है इतना चीज। इसी का इनवर्स होता है, ठीक है, डेसी 10⁻⁻¹, सेंटी 10⁻⁻²। तो हम लोग पढ़ते थे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे सेंटी का मतलब क्या हो गया, 10⁻², तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो क्या, हाँ रिप्लेस कर सकते हैं, 10⁻², तो यहां से यहां कैंसिल, फिर तो 1 ही आ गया, समझ में आ रहा है। तो सेंटी का मतलब 10⁻², मिली का मतलब 10⁻³, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, ठीक है, नैनो का मतलब क्या हो गया 10⁻⁹, और पीको का मतलब 10⁻², ठीक है। तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो उससे हम लोग इसका हेल्प लेंगे, ठीक है, ये आपके मतलब आगे फ्यूचर के भी काम, मतलब फ्यूचर में भी काम आएगा, मैकेनिक्स में आए ना आए कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि लीटर होता है वो किसका यूनिट है, मीटर क्यों, जो वॉल्यूम तो आप लोग देखे होगे, आप लोग पानी का बॉटल या मिल्क वगैरह खरीदोगे, दूध, तो वो लीटर में आता है, पानी एक बॉटल में 1 लीटर होता है, ठीक है। इरेज कर रहे हैं इसको, थोड़ा उसको भी समझा देते हैं।
जो कॉमन थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, ठीक है, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब तो होता ही है, वॉल्यूम का एक मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का यूनिट। ठीक है, और एक और यूनिट आप लोग देखे होंगे वॉल्यूम का, वो होता है लीटर, यानी एक और यूनिट होता है इसका लीटर, LITER लीटर। तो ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, मीटर क्यूब, स्टैंडर्ड यूनिट देखो तो मीटर क्यूब और लीटर ये दोनों यूज होता है। अच्छा, एक मीटर क्यूब कहने का मतलब होता है कि एक क्यूब है। ठीक है, थोड़ा सा और इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा समझाने में ये आ जाएगा, मतलब बेसिक चीज है, कहीं आए ना आए ये समझ में आना चाहिए। देखना, एक मीटर क्यूब कहने का मतलब है कि एक कंटेनर है जिसका डायमेंशन है वो यहाँ पे 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर है। मतलब वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, यानी 1 मीटर इसका हाइट होगा, 1 मीटर लेंथ होगा और 1 मीटर इसका वेड्थ होगा। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसको बोलते हैं 1 मीटर। 1 लीटर क्या होता है कि 10 सेंटीमीटर का अगर एक कोई क्यूब है, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको 1 लीटर बोला जाएगा। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ, 10 सेंटीमीटर इसका विड्थ और 10 सेंटीमीटर इसका हाइट होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 1 लीटर, यानी 10-10 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, उसमें पानी भर दो तो 1 लीटर पानी आएगा। यानी 1 लीटर कहने का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो इसको अगर कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, 10 to the power 3 सेंटीमीटर। 1 लीटर क्यू, 1 लीटर में 10 to the power 3 सेंटीमीटर, या बोलो 10 to the power 3 सेंटीमीटर, अच्छा क्यूब यहां पे होगा, 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 लीटर बोलते हैं। ठीक है, आयतन है, ये स्पेस को बता रहा है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो कि पानी भर दो या दूध भर दो या तेल भर दो, वजन अलग अलग हो सकता है, हो सकता है कि किसी का 1 किलो हो, किसी का 1.5 किलो, किसी का 2 किलो, वजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आया, जैसे मान लो कि इसमें सरसों का तेल डाल दिए और सरसों का तेल डाले तो उसका जो वॉल्यूम आयतन है वो 1 लीटर है। ठीक है, जो आयतन है वो 1 लीटर है, यानी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का वो भरा और उसका जो वजन है वो 900 ग्राम है, यानी 0.9 kg। इट मे पॉसिबल कि उसका वजन कम हो, जैसे इसमें तुम बालू भर दो, सैंड भर दो, तो वजन इट मे पॉसिबल कि उसका 2.7 kg हो जाए। ठीक है, या 3 kg हो जाए। वजन क्या बताता है कि उसमें मैटर कितना है, अमाउंट ऑफ मैटर को बताता है वजन। और वॉल्यूम क्या बोलता है कि वो जगह कितना घेर रहा है। तो एक जैसे पारा डाल दोगे तो इसमें पारा जैसे मतलब डाले तो उसमें और ज्यादा वजन हो जाएगा। इट मे पॉसिबल कि उसका वजन 13 kg के हो, लेकिन वो वॉल्यूम कितना, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर घेरा है, तो 1 लीटर बोलेंगे 1 लीटर पारा है, वजन 13 kg। वजन पे बात नहीं कर रहे हैं हम, वजन हम बात कर रहे हैं स्पेस पे। तो 1 लीटर में 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब देखना, कुछ और बता रहे हैं कि यहां से थोड़ा इरेज कर रहे हैं, क्या हम लोग 1 मीटर क्यूब को लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ऐसा। अगर मल्टीप्लाई करो 2, 4, 6, 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब होगा ऐसा, 1 मीटर क्यूब में होगा 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां से देखना, नेक्स्ट देखो 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा लिख सकते हैं कि बस 3 को इधर और 3 को इधर कर दिए। क्यों किए हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 लीटर में 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power 3 लीटर। ठीक है, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 10 to the power 3 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 10 to the power 3 लीटर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1 लीटर यानी 10 to the power 3 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर में जो भी पानी है, अब इसका तुम आकार बदल दो लेकिन क्या होगा, पानी उतना ही रहेगा 1 लीटर। ठीक है, मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट है आगे जो मैकेनिक्स का डेफिनेशन है उसको और देखेंगे और छोटा छोटा चीज को समझते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे क्योंकि वो तो मतलब बेसिक चीज है न्यूटन्स लॉ। तो पहले मैकेनिक्स का डेफिनेशन समझने के बाद न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करेंगे, यानी फोर्स स्टार्ट करेंगे। और उस फोर्स को बताने से पहले ये बताएंगे कि मास होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, छोटा छोटा चीज है उसको डिफाइंड करते जाएंगे और उसके डीप में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब एकदम बेसिक और उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर इस मतलब इतना में कहीं पर डॉट हुआ होगा तो आप कॉन्टेक्ट नंबर जो पहले लिखा हुआ था 8797286737 पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, लिख देते हैं, नंबर लिखा हुआ ही था, नोट कर ही लिए होंगे। ठीक है, तो उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में मैकेनिक्स के। ठीक है, थैंक यू।